नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाले डिब्बे वालों की परेशानियां इन दिनों बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में डब्बा वालों ने शिकायत की है कि मुंबई में रेलवे स्टेशनों के बाहर खड़ी उनकी साइकिलें चोरी हो रही है। तो मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह पर दुनिया का सबसे ऊंचा झंडे का खंभा गाड़ने और उस पर तिरंगा झंडा फहराने की योजना बनाई जा रही है। वहीं शिवसेना नेताओं ने कहा कि पार्टी और पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार का कब्र प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। पूरा मुद्दा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का एक प्रयास है। तो उधर अमरावती जिले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े को मौजूदा जिलाध्यक्ष राजेश वानखेड़े ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसे लेकर शिंदे गुट के तेवर कड़े हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के मालेगांव के अपर कलेक्टर यशवंत सोनवणे की हत्या के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाले डब्बे वालों की परेशानियां इन दिनों बढ़ गई है। ऐसे में मुंबई के डब्बे वालों ने राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से डब्बे वालों की साइकिलें चोरी जा रही है। इस पर देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में डब्बे वालों ने शिकायत की है कि मुंबई में रेलवे स्टेशनों के बाहर खड़ी उनकी साइकिलें चोरी हो रही है। उन्हें पार्किंग में गश्त बढ़ाने की मांग की है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशनों के बाहर पड़ी उनकी कई साइकिलें भी गायब हो गई थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पत्र में कहा कि कोरोना महामारी में हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है और इस तरह के और नुकसान को नहीं सह सकते। बता दें कि डब्बे वालों एसोसिएशन ने वेस्टर्न रेलवे के 3 स्टेशनों विले पार्ले, नाला सोपारा और बोरीवली का जिक्र किया है, जहां से उनकी साइकिलें चोरी हो गई है। पत्र में कहा गया है कि साइकिलें ही उनकी आने जाने का एकमात्र जरिया है और आजकल वे भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। इनकी कीमत 10,000 रुपये और उससे अधिक है। मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष तालेवार ने बताया कि बाहरी रेलवे स्टेशनों से साइकिल चोरी के मामले में बढ़ोतरी हुई है और हमने इस मामले को गृह मंत्री और संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। मुंबई के ऑफिसों से लगभग 5,000 डब्बे वाले करीब 2,00,000 लंच बॉक्स हर दिन पहुंचाते हैं। मुंबई में डब्बे वाले बहुत मशहूर है। मुंबई डब्बे वाला एसोसिएशन एक रोटी बैंक भी चलाता है। मुंबई की हाजी अली दरगाह बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। इस हाजी अली दरगाह पर दुनिया का सबसे ऊंचा झंडे का खंभा गाड़ने और उस पर तिरंगा झंडा फहराने की योजना बनाई जा रही है। खबर के मुताबिक फिलहाल दरगाह में मरम्मत का काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस पोल के उद्घाटन के लिए दरगाह की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा जाएगा। दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी ने बताया कि खंभे को लेकर काम जल्द से जल्द शुरू होगा। फिलहाल दुनिया का सबसे लंबा झंडा फहराने का खंभा इजिप्ट के काहिरा में है, जिसकी लंबाई करीब 201.952 मीटर है। पिछले साल तक दुनिया का सबसे लंबा झंडा सऊदी अरब के जेदा में फहराया गया था, जिसकी लंबाई 171 मीटर थी। सोहेल खंडवानी ने बताया कि मैंने इस विषय पर राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की थी, जब वे 2014 से 2019 के दौरान सीएम थे। हाजी अली दरगाह के परिसर में दुनिया के सबसे ऊंचे खंभे पर तिरंगा झंडा फहराने के विचार पर उन्होंने अपनी सहमति जताई थी। इस काम को पूरा करने के लिए कई एजेंसियों की मदद ली जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरी इस दरगाह के परिसर में दुनिया का सबसे लंबा झंडे का खंभा लगाने के लिए काफ़ी रसद और सहयोगियों की ज़रूरत होगी। बता दें कि मुंबई के वर्ली तट के निकट स्थित एक छोटे से टापू पर स्थित यह वर्ल्ड फेमस दरगाह न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि एक पर्यटन स्थल भी है। मुंबई में 1993 के बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की कब्र के रखरखाव कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने दावा किया है कि मेमन की कब्र का सौंदर्यीकरण किया गया है और उसे एक इबादतगाह में बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान मेमन की कब्र का सौंदर्यीकरण किया गया था। पार्टी ने इस पर उनसे माफी
की मांग की। हालांकि शिवसेना नेताओं ने कहा कि पार्टी और पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है और इसे अनावश्यक रूप से इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है। पूरा मुद्दा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले की जाँच के आदेश दिए है। शिंदे ने गुरुवार रात कहा कि जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, जाँच शुरू भी हो चुकी है। जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन खबरों के बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस ने आतंकवादी की कब्र के चारों ओर लगाई गई एलईडी लाइट को हटा दिया। मेमन को 2015 में नागपुर जेल में फांसी दी गई थी और दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त स्तर का पुलिस अधिकारी जाँच करेगा कि कैसे एक आतंकवादी की कब्र पर एलईडी लाइट लगा दी गई, साथ ही संगमरमर की टाइलें लगाकर उसे सवार आ गया। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते महीनों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया और प्रदेश की गद्दी संभाली। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक, 10 निर्दलीय और 12 सांसद आए। इसके अलावा शिवसेना के कई पदाधिकारी भी शिंदे गुट में शामिल हुए। शिवसेना छोड़ने का सिलसिला आज भी जारी है। हालांकि अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया। उद्धव का साथ छोड़ने वाले अधिकांश नेता बेझिझक शिंदे गुट का दामन थाम रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी से भी कोई परहेज नहीं है। भाजपा भी उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है। हालांकि बीजेपी के इस कदम से शिंदे गुट के कई नेता असहज दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमरावती जिले के शिवसेना के उद्धव ठाकरे के धाड़े में मौजूदा जिला अध्यक्ष राजेश वानखड़े की। उन्होंने गत गुरुवार को बीजेपी का दामन थामा। उनके साथ अमरावती जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और कुछ पूर्व नगर सेवक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि कुछ दिनों पहले अमरावती में चंद्रशेखर बावनकुले के बयान को लेकर बीजेपी शिवसेना में विवाद बढ़ गया था। चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में यह भी संकेत दिया था कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा भी भाजपा में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमरावती से अगला सांसद और बडनेरा से अगला विधायक भाजपा का होगा। शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना नेता अड़सूल इस बयान से खफा हो गए हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में अपर कलेक्टर यशवंत सोनावने की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों ने साल 2011 में एक अवैध पीडीएस डायवर्जन रॉकेट का भंडाफोड़ करने को लेकर अपर कलेक्टर को जिंदा जला दिया था। मालेगांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 25 जनवरी 2011 को जिंदा जलाए गए अपर कलेक्टर सोनावने की हत्या के लिए राजेंद्र उर्फ राजू देवीदास थीरत, मच्छिंद्र पिराजी सुधारकर उर्फ काचरू और अजय मगन सोनावने को दोषी ठहराया था। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि अपर कलेक्टर सोनावने को उस समय जिंदा जला दिया था जब वो एक ढाबे पर छापेमारी कर रहे थे। ढाबा का संचालन पोपट दत्तू शिंदे करता था। ढाबा को लेकर आरोप था कि वो स्थानीय तौर पर पेट्रोलियम उत्पादनों की चोरी, भंडारण और उसकी अवैध बिक्री करता था। मामले का भंडाफोड़ करने के बाद तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर सोनावने अपने दोनों स्टेनो कंपीए और एक ड्राइवर के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने आपूर्ति निरीक्षक को पंचनामा तैयार करने के लिए बुलाया। मामला बढ़ते देख आरोपी ने अपने और साथियों को बुला लिया और सोनावने पर हमला बोल दिया। पहले तो लोहे की छड़ और डंडों से पीटा और फिर केरोसिन डालकर आग लगा दी। सोनावने की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुख्य आरोपी शिंदे गंभीर रूप से झुलस गया था और 30 नवंबर 2011 को उसकी मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। ब्रिटेन में आधिकारिक हलकों में महारानी के निधन को ऑपरेशन लंदन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसे बकिंघम पैलेस के गुरुवार को 96 वर्षीय महारानी के निधन की घोषणा के बाद लागू किया गया। तो चर्चा ये भी है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिस ताज को खास कार्यक्रमों में पहनती थी वो किसी के सर पर सजेगा। भारत की नज़र इसीलिए उस हीरे पर है क्योंकि उसी में भारत का मशहूर हीरा कोहिनूर लगा है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाले दीपालपुर के ओकरा तहसील में एक लव स्टोरी लोगों की वाहवाही बटोर रही है। यहाँ पर एक डॉक्टर पहले अपने हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ प्यार में पड़ी और फिर उसी से शादी कर ली। तो उधर इस बार नेपाल में दशहरे का त्यौहार दाशिन फीका पड़ सकता है क्योंकि इस मौके पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं और चीन ने उन ट्रकों को नेपाल में दाखिल होने से रोक दिया है जिन पर सामान लदा हुआ है। इस बीच जानकारों के मुताबिक दुनिया भर का डेटा खतरे में है। चीनी कंपनियां अलग अलग तरकीब से डेटा चुरा रही है।
दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग अब ट्विटर वॉर में तब्दील होती दिख रही है। नीतीश कुमार ने पीके पर आरोप लगाया है कि वो शायद भाजपा की मदद कर रहे हैं। इसके बाद पीके ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा था कि वो बुजुर्ग हो गए हैं और एक साल में उन्हें सब पता चल जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि यदि नीतीश कुमार 10 लाख नौकरियों के वादे को पूरा कर देते हैं तो मैं सब काम छोड़कर उनके साथ लग जाऊंगा। यही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार पर कुछ तस्वीरों के जरिए भी हमला बोला। हालांकि करीब आधे घंटे के अंदर उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। बिना किसी कैप्शन के ही प्रशांत किशोर ने 4 तस्वीरें ट्वीट की थी जिनमें नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए पीएम मोदी के सामने खड़े नजर आ रहे थे। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने इन तस्वीरों के जरिए नीतीश कुमार के उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भाजपा की मदद कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर पब्लिसिटी एक्सपर्ट है और वो शायद भाजपा की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाने के फैसले पर टिप्पणी की थी। पीके ने कहा था कि नीतीश के इस फैसले से देश भर में कोई असर नहीं होगा, इसका असर बिहार में ही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के श्योपुर जिले स्थित कुनो पालपुर अभयारण्य में विमान से आ रहे दक्षिण अफ्रीकी चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को बाड़े में छोड़कर अपना जन्मदिन मनाएंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री श्री मोदी और चीतों के यहां आने के पहले जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कुनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते जिसमें 12 दक्षिण अफ्रीका और 8 नामीबिया से लाकर बसाए जाने की खबरें हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहली खेप में नामीबिया से 3 चीते जिसमें 2 नर और 1 मादा लाए जा रहे हैं। मोदी अपने जन्मदिवस पर इन्हें अभयारण्य में बाड़े में छोड़ेंगे। बाकी चीते बाद में यहां लाकर बाड़े में छोड़े जाने की योजना को मंजूरी मिली है। 500 वर्ग किलोमीटर का चीतों के लिए बनाया गया विशेष बाड़ा पूरी तरह से तैयार है। इसी बाड़े के पास 4 हेलीपैड बनाकर तैयार किए गए हैं जिन पर चीतों को लाने वाला चॉपर उतरेगा। यहीं पर ही प्रधानमंत्री और अन्य विशेष अतिथियों के हेलीकॉप्टर उतरेंगे। हेलीपैड से 300 मीटर की दूरी पर बाड़े का मुख्य द्वार है जिससे प्रधानमंत्री मोदी चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के यहां आने की स्वीकृति मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुनो पालपुर अभयारण्य में व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते शर्मा के खिलाफ कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस रविन्द्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। रिपोर्ट्स के अनुसार शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ये देखने में नुकसान नहीं पहुंचाने वाला लगता है लेकिन इसके दुर्गामी परिणाम होते हैं। अदालत को निर्देश जारी करते समय हमेशा चौकस रहना चाहिए। हमारा सुझाव इसे वापस लेने का है। कथित तौर पर एक टीवी डिबेट के दौरान शर्मा की तरफ से की गई टिप्पणी के चलते जमकर विवाद खड़ा हो गया था। देश के कई हिस्सों में इसे लेकर जमकर प्रदर्शन हुए थे और शर्मा को गिरफ्तारी करने की मांग उठी थी। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट चांद कुरेशी के जरिए एडवोकेट अबू सोहेल की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई थी। खास बात है कि अपेक्स कोर्ट ने पहले ही मामले में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने की बात कही थी। शर्मा के खिलाफ भारत के कई शहरों में अलग अलग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। एक सदी के बाद अब कोणार्क के सूर्य मंदिर से रेत निकालने का फैसला किया गया है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जगमोहन यानी सभागार से रेत निकालने का काम शुरू भी कर दिया है। 800 साल पहले 13वीं शताब्दी में इस मंदिर को गंगा वंश के नरसिंह देव ने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए बनवाया था। इस मंदिर को बनाने में लगभग 1200 शिल्पकार लगे थे जिन्होंने 16 साल तक काम किया। 1900 से 1903 के बीच ब्रिटिश सरकार ने इस इमारत को बचाने का जिम्मा लिया और जगमोहन को बालू से बंद कर दिया। इसके अंदर भी भालू भरवा दी गई ताकि ये नहीं गिरे। हालांकि अब इसी बालू की वजह से दीवार पर जोर पड़ने से दरारें आने लगी है। 2020 में सरकार ने इसमें से बालू निकलवाने का फैसला किया। एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि ये सोचकर इसमें बालू भरवाई गई थी कि ये छत के वजन को संभाल लेगी, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। बालू नीचे बैठ गई और दीवारों पर जोर पड़ने लगा। अब चुनौती यही है कि किस तरह से इमारत को सुरक्षित बचाते हुए कैसे रेत निकाली जाए। एक अधिकारी ने बताया कि जगमोहन के अंदर 14 फीट की ऊंचाई तक रेत है।
हमें छत को अस्थायी सपोर्ट भी देना पड़ेगा। एएसआई के भुवनेश्वर सर्किल के अधीक्षक अरुण मलिक ने कहा कि हमने रेत निकालने का काम शुरू करने से पहले भूमि पूजन किया। इस काम में 3 साल का वक्त लग सकता है। पिछले 2 साल से इसके बारे में विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और अब एक सुरक्षित सिस्टम बनाया गया है। गुजरात में एक शहीद सैनिक के परिवार ने डाक द्वारा उनके घर पर भेजे गए वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र को अस्वीकार करते हुए वापस लौटा दिया। शहीद के परिवार ने कहा कि ये उनके बेटे लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया का अपमान है, जिन्होंने 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। फरवरी 2017 में ड्यूटी के दौरान वे शहीद हुए थे। अहमदाबाद शहर के बापूनगर इलाके में रहने वाले मुनीम सिंह ने मांग की कि देश का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में परिवार को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि सेना डाक के माध्यम से पदक नहीं भेज सकती है। ये न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि एक शहीद और उसके परिवार का भी अपमान है। इसीलिए मैंने पदक वाले पार्सल को स्वीकार नहीं किया और ये कहते हुए लौटा दिया कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सिंह ने कहा कि इस तरह के पदक हमेशा 26 जनवरी या 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं और पूरा देश टीवी पर इस कार्यक्रम को देखता है। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो एक वरिष्ठ सेना अधिकारी द्वारा परिवार को पदक दिया जाता है, लेकिन इसे कभी भी कुरियर के माध्यम से नहीं भेजा जाना चाहिए। लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया 33 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 2018 में सैनिक को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जो अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग अब ट्विटर वॉर में भी तब्दील होती दिख रही है। तो दक्षिण अफ्रीकी चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को बाड़े में छोड़कर अपना जन्मदिन मनाएंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो उधर एक सदी के बाद अब कोणार्क के सूर्य मंदिर से रेत निकालने का फैसला किया गया है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जगमोहन यानी सभागार से रेत निकालने का काम शुरू भी कर दिया है। इसी बीच गुजरात में एक शहीद सैनिक के परिवार ने डाक द्वारा उनके घर पर भेजे गए वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र को अस्वीकार करते हुए वापस लौटा दिया। शहीद के परिवार ने कहा कि ये उनके बेटे लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया का अपमान है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रिटेन में आधिकारिक हलकों में महारानी के निधन को ऑपरेशन लंदन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसे बकिंगहम पैलेस के गुरुवार को 96 वर्षीय महारानी के निधन की घोषणा के बाद लागू किया गया। इसी के साथ ही ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड भी लागू हुआ, जिसके तहत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे व उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स को 73 साल की उम्र में महाराज चार्ल्स तृतीय के रूप में देश की राजगद्दी पर विराजमान हुए। लंदन ब्रिज इज डाउन एक कोडवर्ड है जिसके जरिए जिससे महारानी के निजी सचिव की ओर से महारानी की मृत्यु के बारे में प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट को सूचित किया गया होगा। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी FCDO का ग्लोबल रिस्पॉन्स सेंटर ब्रिटेन के बाहर उन 15 सरकारों जहां महारानी राष्ट्र की प्रमुख है और अन्य 38 राष्ट्रमंडल देशों को समाचार भेजने का प्रभारी है। बता दें कि एलिजाबेथ 6 फरवरी 1952 को अपने पिता किंग जॉर्ज षष्ठम की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठी थी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी देशों की भी यात्राएं की। आखिरी बार वो भारत आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आई थी। इस दौरान महारानी और उनके पति ने बाद में 1919 में नरसंहार के गवाह बने अमृतसर के जालियांवाला बाग का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। उन्होंने कहा था कि ये कोई रहस्य नहीं है कि हमारे अतीत में कुछ कठोर घटनाएं हुई है। जालियांवाला बाग एक दुखद उदाहरण है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिस ताज को खास कार्यक्रमों में पहनती थी उसी में भारत का मशहूर हीरा कोहिनूर लगा है। इसके अलावा भी मुकुट में 2867 हीरे लगे हैं। कायदे से ये मुकुट अगली महारानी को सौंपा जाएगा और ब्रिटेन की नई महारानी डेचेस ऑफ कॉर्नवाल कैमिला होंगी, जो एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स की पत्नी है। हम जिस मुकुट की बात कर रहे हैं उसे वास्तव में राजा जॉर्ज छठे की ताजपोशी के लिए 1937 में बनाया गया था। इसके अलावा ताज में कई कीमती पत्थर भी लगे हैं। ताज में 1856 में तुर्की के तत्कालीन सुल्तान द्वारा महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दिया गया एक बड़ा पत्थर भी है। ये उन्होंने क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश सेना के समर्थ के प्रति अपना आभार जताने के लिए दिया था। कोहिनूर 105 कैरेट का हीरा है जो प्लैटिनम के एक माउंट के साथ ताज से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश ताज के सामने ये क्रॉस के पास लगा है।
कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे बड़े हीरे में से एक है। कुह ए नूर का मतलब रोशनी का पर्वत होता है। कहा जाता है कि ये भारत की गोलकुंडा खदान में मिला था। 1849 में जब ब्रिटिश उपनिवेश पंजाब में आया तो इसे अंतिम सिख शासक दिलीप सिंह ने महारानी को भेंट किया था। कोहिनूर के साथ एक मिथक भी जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हीरा स्त्री स्वामियों के लिए भाग्यशाली है, वही पुरुष स्वामियों के लिए ये दुर्भाग्य और मृत्यु का कारण बन सकता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाले दीपालपुर के ओकरा तहसील में एक लव स्टोरी लोगों की वाही वाही बटोर रही है। यहाँ पर एक डॉक्टर पहले अपने हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ प्यार में पड़ी और फिर उससे शादी की। डॉक्टर किश्वर साहिबा जो एक लेडी डॉक्टर है, उन्होंने उसी अस्पताल में काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ मेंबर शहजाद को निकाह के लिए प्रपोज किया। जमीन आसमान का फासला था, लेकिन दोनों को प्यार हुआ। सारी चुनौतियों को पार करते दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। शहजाद ने बताया कि वो कमरों की सफाई करते थे और तीन डॉक्टरों को उनके ऑफिस में चाय पिलाते थे। एक दिन किश्वर ने उनका फ़ोन नंबर मांगा। यहाँ से दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया। किश्वर ने इसके बाद शहजाद के व्हाट्सएप स्टेटस को लाइक किया। फिर उसी दिन किश्वर ने उन्हें ऑफिस में बुलाया और उनके सामने अपनी मोहब्बत कबूल की। शहजाद पहले तो हैरान थे और उन्हें इस पर ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था। जब किश्वर ने उन्हें प्रपोज़ किया तो उन्हें बुखार आ गया। बहरहाल शादी के बाद किश्वर ने अपने दोस्तों के तानों से तंग आकर नौकरी भी छोड़ दी है। अब वो खुद का क्लिनिक खोलने की योजना बना रही है। दोनों एक YouTube चैनल भी चलाते हैं जिस पर ये अपनी जिंदगी के हर पल के बारे में बताते हैं। दोनों की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है। नेपाल में दशहरे का त्यौहार दाशिन के नाम से मनाया जाता है। ये नेपाल का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस मौके पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। अक्टूबर में होने वाले इस त्यौहार का रंग चीन के लॉकडाउन की वजह से फीका होने के आसार है, क्योंकि चीन ने उन ट्रकों को नेपाल में दाखिल होने से रोक दिया है जिनमें सामान लदा हुआ था। ये ट्रक सामान लेकर दाशिन महोत्सव के लिए रवाना हुए थे। इन ट्रकों को तिब्बत क्षेत्र में रोका गया है। ट्रकों पर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फल और दूसरा सामान लदा है। अब इन ट्रकों को नेपाल में ही दाखिल होने की मंजूरी नहीं मिल रही है। सारा सामान रास्ते में अटका है। 50 कंटेनर्स में लदे सेब अब सड़ने लगे हैं। चीन की सरकार ने आदेश दिया है कि सामान लेकर आने वाले वाहनों को ल्हासा में एंट्री नहीं होगी। तिब्बत में जारी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते चीन ने यहां पर लॉकडाउन घोषित कर दिया है। चीन का कहना है कि इसी वजह से ट्रकों को दाखिल होने की मंजूरी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा कंटेनर्स को केरोंग में और करीब 100 कंटेनर्स को ल्हासा में रोका गया है। 8 अगस्त से तिब्बत के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन जारी है। यहाँ पर अभी कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हुआ है। इन बॉर्डर्स को जल्द खोले जाने की संभावना के बराबर है। ट्रकों पर अरबों रुपए का सामान लदा है जिससे व्यापारियों की धड़कनें बढ़ गई है। आज 21वीं सदी में डेटा को सबसे बड़ी धनराशि कहा जाता है। डेटा के युग में चीन और अमेरिका के संबंध और भी ज्यादा बिगड़े हैं। डेटा चोरी ना हो इसे लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में जेनेटिक रिसर्चर रहे वांग जियांग आज चीन में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी BGI के चेयरमैन हैं। यह कंपनी दशकों से अमेरिका की कुछ प्रमुख अनुवांशिक विदों के साथ काम कर रही है। जब कोरोना के मामले बढ़े तो वांग ने अमेरिका में जांच के लिए एक बड़ी लैब बनाने की पेशकश की, लेकिन डेटा चोरी के डर से उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सेंटर ने सख्त चेतावनी जारी की कि विदेशी ताकतें कोविड टेस्ट के माध्यम से बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा कर सकती है। तत्कालीन ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अमेरिकी काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी बिल इवानिना ने तो यहां तक कह दिया था कि आधुनिक समय में लैब ट्रोजन हॉर्स यानी दुश्मन से भरा काट का घोड़ा है। कई नीति निर्माताओं का मानना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनता जा रहा है। इसी के साथ ही दुनिया भर का डेटा भी खतरे में है। चीन अमेरिकी लोगों को प्रभावित करने के लिए कंपनियों का डेटा चुरा रहा है और आने वाले भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी में अपना आधिपत्य कायम करने के लिए नींव बना रहा है। वो जो कर रहा है वो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। तो बीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।